हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू और कच्चू का रेसिपी। ये रहा हमारा सारा रेसिपी बनाने का मसाले। अब जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कच्चू को छील लेते हैं अच्छे से। चक्कू से छीलेंगे इसको, कुछ इस तरह से हम लोग सारा कच्चू को छीलेंगे ऐसे ही चक्कू से। और गैस, ये हमारा कच्चू छिल चुका है, अब हम लोग आलू छिल लेंगे। और गैस, आलू के भी अच्छे से छिल लेंगे हम लोग छिलनी की मदद से सारा। और गैस, ये हमारा आलू भी छिल चुका है, इसको हम लोग पानी से धो लेंगे एक बार। अब आलू और कच्चू को धो लेते हैं अच्छे से। और गैस, ये हमारा कच्चू और आलू धुल चुका है, इसको निकाल लेते हैं बर्तन में। और गैस, अब आलू और कच्चू को काट लेते हैं, और उधर प्याज भी कट रहा है और टमाटर भी काट लेंगे सारे एक साथ में। हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इसका सब्जी बनाएंगे हम लोग, इसलिए। ये हमारा आलू कट चुका है, हम लोग कच्चू काट लेते हैं। इसको भी ऐसे मीडियम में काटेंगे हम लोग। इधर हम लोग प्याज तब तक काट लेते हैं। अब टमाटर काट लेते हैं। ऐसे ही सारा कच्चू काट लेंगे ऐसे ही मीडियम में। और गैस, ये हमारा कच्चू भी कट चुका है, ये हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाने का। और गैस, ये अब चलते हैं चूल्हा जलाने के लिए, जारन लेके जाएंगे। ये हमारा जलाने का जारन है। अब कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और इसको गर्म होने देते हैं थोड़ी देर तक। और गैस, ये हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग डालेंगे सरसों तेल। अब इसको गर्म होने देते हैं। और गैस, हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग आलू और कच्चू को डाल देते हैं दोनों साथ में, और इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। और गैस, कच्चू और आलू को हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। और गैस, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक डाल देंगे, ताकि हमारा कच्चू और आलू जो है अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा ही डालेंगे, जितना कि पके अच्छे से। और इसको मिक्स कर लेते हैं। और गैस, इसको अब 2 मिनट के लिए हम लोग ढक देंगे, ताकि अच्छे से पक जाएगा, और थोड़ा कम आंच में पकाएंगे इसको। और गैस, जब तक हमारा इधर पक रहा है, तब तक हम लोग इधर मसाला भी रेडी कर लेते हैं पीस के। ये हमारा लहसुन और मिर्ची को दोनों एक साथ में पीस लेंगे अच्छे से। और गाइस, फिर से इसको निकाल लेते हैं ढका हुआ। और गाइस, ये देखो हमारा आलू और कच्चू पूरा फ्राई हो चुका है। और गाइस, ये हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है।
अब कच्चू को हम लोग निकाल लेते हैं, आलू और कच्चू को बर्तन में निकालेंगे। अब फिर से कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। और गैस अब मसाला को पकाने के लिए हम लोग तेल डालेंगे इसमें। तेल थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम लोग प्याज डालेंगे इसमें। हमारा तेल गर्म हो जाएगा, इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को अच्छे से पकाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि हमारा प्याज है जो अच्छे से पक जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। हमारा प्याज गल पक चुका है, इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। इसको भी अच्छे से पका लेते हैं थोड़ी देर तक। और गैस ये हमारा प्याज और टमाटर पक चुका है, अब हम लोग मसाला डालेंगे सारा। ये हमारा पिसा हुआ मसाला, ये हमारा धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर, अरे नमक स्वाद के अनुसार सारा हम लोग डाल लिए हैं। इसको अच्छे से पकाएंगे। और गैस मसाला पकाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि हमारा है मसाला अच्छे से पक जाएगा। और गैस ये हमारा मसाला पक चुका है अच्छे से, अब हम लोग इसमें कच्चे और आलू को डाल देंगे फ्राई किया हुआ। और इसको अच्छे से थोड़ी देर तक हम लोग पकाएंगे। और गैस ये देखो हमारा पूरा पक चुका है मसाला से, अब इसमें थोड़ा हम लोग पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। हमको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। इसको 2 मिनट के लिए ढबकने देंगे हम लोग अच्छे से। और गैस ये हमारा रेसिपी बन चुका है। और ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा हमको कमेंट करके बताना। और आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गैस ये हमारा रेसिपी लगभग में हो चुका है। और ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। देख सकते हैं ये हमारा रेसिपी बन के रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसको निकाल लेंगे।